आज तक आपने अनेक ऐसे मंदिरों को देखा और उनके दर्शन किए होंगे जहां आकर ईश्वर की उपस्थिति का साक्षात एहसास होता है, क्योंकि बताया जाता है कि वहां अमुक ईश्वर स्वयं आए थे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देवस्थान मंदिर के दर्शन और वहां से परिचित कराने जा रहे हैं जहां से ईश्वर भी इस दुनिया से विदा हुए थे, जहां से ईश्वर ने अपनी मानव लीला का समापन किया था और दुनिया को बताया था कि दुनिया में जो भी आया है उसे भले ही कभी भी विश्वास नहीं होता कि उसे भी एक दिन इस दुनिया की मोह माया को त्याग कर जाना है, लेकिन यदि ईश्वर भी भले ही एक माया रचते हुए दुनिया में आया हो उसे भी दुनिया से विदा होना ही पड़ता। भले ही यह बात ईश्वर के लिए नहीं की जानी चाहिए, लेकिन ईश्वर ने दुनिया में मानव रूप में जन्म लेकर जो भी माया की उसका शायद यह भी एक बड़ा संदेश था कि हर मनुष्य को, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो, उसे यहाँ कष्ट भोगने होंगे और एक दिन यहाँ से जाना ही होगा। आज हम देश के गुजरात प्रांत में स्थित दुनिया के सर्वाधिक भावुक करने वाले भालका तीर्थ में हैं, जहाँ से त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के पैर में एक सामान्य से बहेलिए शिकारी का तीर लगा था और उन्होंने अपने लोक को प्रस्थान कर लिया। भालका तीर्थ गुजरात में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से मात्र 4-5 किलोमीटर दूर स्थित है। इस तीर्थ स्थान के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर विश्राम करते समय ही भगवान श्री कृष्ण को जर नामक शिकारी ने गलती से तीर मारा था, जिसके पश्चात उन्होंने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करते हुए निज धाम को प्रस्थान किया था। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की ठीक उसी रूप में प्रतिमा स्थापित है जैसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण उस दिन एक पीपल के पेड़ के पास अपने दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखकर आराम की मुद्रा में योग निद्रा में लेटे थे। कहते हैं उनके पैर को बहेलिए ने हिरण की आँख समझकर तीर मारा था, लेकिन सच्चाई पता चलने पर उसने श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। यहाँ श्री कृष्ण के आगे बहेलिए की हाथ जोड़े क्षमा मांगते हुए प्रतिमा भी है जो कृष्ण पर बाण चलाकर पछता रहा था। लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वह बखूबी जानते थे कि संसार को अपने इशारों पर भले वो चलाते हों, लेकिन अब इस दुनिया से उनके चलने का समय आ गया है। तभी तो तीर चलाने वाले बहेलिए को उन्होंने माफ़ कर दिया। खास बात यह भी है कि आज भी द्वापर युग का वो पीपल का पेड़ यहाँ 5000 साल बाद भी जैसे के तैसा मौजूद है। यह वृक्ष कभी सूखता नहीं है। कहते हैं कि बाण लगने से घायल भगवान श्री कृष्ण भालका तीर्थ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर हिरण नदी के किनारे पहुँचे। हिरण नदी सोमनाथ से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि उसी स्थान पर भगवान सीधे बैकुंठ धाम चले गए। हिरण नदी के किनारे आज भी भगवान के चरणों के निशान मौजूद हैं और जो दुनिया भर में देहोत्सर्ग तीर्थ के रूप में मशहूर है, लेकिन उस जगह की भी कम अहमियत नहीं है जहाँ से बहेलिए ने भगवान पर हिरण समझकर निशाना साधा था। मनुष्य समुद्र के किनारे बसे उस जगह को बाणगंगा कहते हैं और वहाँ पर अब समुद्र के भीतर शिवलिंग बना हुआ है। भालका तीर्थ भले ही भगवान श्री कृष्ण के अंतिम दिनों का साक्षी है, लेकिन आज भी यह तीर्थ स्थल भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। आज भी हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त हर रोज यहाँ आते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई कोई भी मुराद यहाँ कभी अनसुनी नहीं रहती। अपने भक्तों का दुख दर्द दूर करने के लिए ही बार बार अवतार लेने वाले भगवान ने इसी जगह से भले ही दुनिया त्यागने का मन बनाया था, लेकिन उनके होने का एहसास आज भी यहाँ श्रद्धालुओं के मन में रहता है। और इसकी गवाही देता है मंदिर परिसर में मौजूद 5000 साल पुराना पीपल का वृक्ष जो कभी नहीं सूखता है। सोमनाथ के द्वारका तीर्थ में है ये विशेष मान्यता का मंदिर है। कहते हैं कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। इस जगह के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि यह पावन तीर्थ वेरावल से प्रभास जाने के मार्ग पर स्थित है। कथाना के अनुसार मद्यपान से चूर यादवों का परस्पर कलह से संहार हुआ, इससे खिन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे अपना बायां पैर दाहिने पैर पर रखकर योग समाधि में वो यहाँ बैठे थे, जब जरा नामक व्याध यानी शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को मृग का मुख समझकर तीर मारा। व्याध यानी शिकारी का वो तीर भगवान श्री कृष्ण जी के बाएं पैर पर लगा,
तब व्याध अपने शिकार के समीप पहुंचा। उसने देखा कि उसका शिकार एक मृग नहीं परंतु एक मानव पिताम्बरधारी पुरुषोत्तम थे। वो भयभीत होकर अपने अपराध की क्षमा करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको आश्वासन दिया, जो कुछ हुआ वो मेरी इच्छा से ही हुआ है। ऐसा कहकर व्याध को क्षमा कर दिया और अपनी कांति से वसुंधरा को व्याप्त करके निज धाम को प्रस्थान किया। यहाँ व्याध ने भगवान श्री कृष्ण को भल्ल यानी बाण से मारा, इसलिए इस स्थान को भल्ल भालका तीर्थ भी कहा जाता है। ये पवित्र स्थान भालका तीर्थ हेलीकॉप्टर में समय यहाँ से गुजर रहा है। कहते हैं कि गांधारी ने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद आहत एवं आक्रोशित होकर श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह उनके कुल का नाश हुआ वैसे ही श्री कृष्ण के कुल का भी नाश होगा, और जिस तरह निरीश पशुओं की तरह उनके पुत्रों की मृत्यु आरोपों के अनुसार श्री कृष्ण ने कराई, उसी तरह श्री कृष्ण भी एक पशु की तरह मारे जाएंगे। दूसरे महाभारत युद्ध के दौरान ही श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र यानी भीम के पौत्र बर्बरीक, जो अब हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहे जाते हैं, उनके हारने वाले दल की ओर से लड़कर युद्ध को एक ही दिन में समाप्त कर देने की क्षमता के कारण एवं कौरव पक्ष से लड़ने की उनकी मजबूरी की वजह से श्री कृष्ण ने युद्ध से दूर किया था। इस कड़ी में उन्हें एक बाण से एक पीपल के सभी पत्तों में छेद करने को कहा था और एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा कर उनकी परीक्षा को निष्फल किया था। साथ ही त्रेता युग में जिस तरह भगवान राम ने बाली को छुपकर मारा था और बाली से श्राप प्राप्त किया था, इन तीनों कारणों से भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में बहेलिया बने बाली के हाथों छुपकर हिरण समझकर मारे गए तीर के पैर के तलवे पर लगने से मारे गए थे। तो भालका तीर्थ में यह वो स्थान है, यह बिल्कुल वह सजीव दृश्य है जैसे भगवान श्री कृष्ण उस अपने आखिरी समय में जिस तरह से एक पाँव के ऊपर दूसरे पाँव को रखकर लेटे थे, तभी उन्हें तीर लगा और फिर इस व्याध ने उनसे माफ़ी मांगी, जैसे उन्होंने माफ़ कर दिया। और यह वह पीपल का पेड़ है जिसके पास वह लेटे हुए थे। 5000 साल पुराना द्वापर युग का वह पीपल का पेड़ आज भी यहाँ पर उसी रूप में मौजूद है। अंदर मंदिर के अंदर ये थोड़ा छोटा या बहुत छोटे आकार में दिखता है, लेकिन मंदिर के बाहर आकर के ये विशाल आकार में दिखाई देता है। ये देखिए, ये मंदिर के बाहर का दृश्य है। इस मंदिर के बाहर के दृश्य में मंदिर के बीचों बीच यह देखिए, ये मंदिर के अंदर से निकला हुआ पीपल का पेड़ है 5000 साल पुराना, जिसके पास में भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे अपने आखिरी पलों में। तो ये बहुत ही भावुक करने वाला मंदिर दुनिया का जो हमें महसूस हुआ, उसके दर्शन हमने आपको कराए भालका तीर्थ गुजरात से। इसके अलावा भालका तीर्थ के पास में यही सोमनाथ में एक स्थान ऐसा भी बताया जाता है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण के भाई, बड़े भाई बलदाऊ, जो कि वास्तव में शेषनाग के अवतार थे, वो इस स्थान से नाग के रूप में उन्होंने पाताल लोक को प्रस्थान किया था। तो गुजरात के सोमनाथ से भालका तीर्थ से हम आपको अपनी इस प्रस्तुति के साथ यहीं पर विदा लेते हैं। धन्यवाद। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।